हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम रेस्टोरेंट में लॉलीपॉप कैसे काटते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे स्टोर करके रखते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। ये देखिए, मैंने लिए हैं 2 किलो चिकन विंग्स। ये चिकन विंग्स है, अब इसको कैसे काट के और कैसे लॉलीपॉप बनाते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, और फ्राई कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चिकन विंग्स 3 हिस्सों में बटा होता है। ये देखिए, 1, 2, 3, तो ये 2 हिस्से हम यूज कर सकते हैं और हम करते भी हैं होटल में, ये कोई काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काटेंगे, आपको दिखाते हैं आपने कैसे काटना है और क्या फेंकना है, क्या रखना है। आपने जब भी विंग्स काटना है तो यहाँ से काटना है, जॉइंट से, ऐसे ना काटें। ये देखिए, यहाँ ये इसके जॉइंट होते हैं ना, ऐसे काटें प्यार से। ये देखिए, जब आप जॉइंट पे चाकू मारेंगे तो तुरंत कट जाएगा बहुत ही प्यार से। और ये मैंने स्किन के साथ लिया है। आप सोच रहे होंगे कि शेफ ने स्किन के साथ लिया है। स्किन के साथ लेने का रीज़न क्या है, इससे लॉलीपॉप है ना बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, मतलब हार्ड नहीं होते हैं और जूसी रहते हैं। जैसे आपने कई बार लॉलीपॉप खाए होंगे ना, तो जूसी होते हैं, वो स्किन की वजह से होते हैं। अगर आप स्किन निकाल देंगे तो आपके लॉलीपॉप कड़क हो जाएंगे, जूसी नहीं रहेंगे और बहुत ही छोटे हो जाएंगे। तो आपने ऐसे काटा, उसके बाद ये देखिए, यहाँ से ऐसे आपने काट लेना है, चारों तरफ ऐसे चाकू घुमा दें, ये ऐसे, उसके बाद यहाँ से आपने ऐसे खींच देना है। और एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, वो मैं अभी बताता हूँ, बस पहले यहाँ कट लगा लूँ, खींच के फिर बताता हूँ। इसको ऐसे खींच के उल्टा करना पड़ता है, ये देखिए इस तरीके से। अब ये लॉलीपॉप आपका कट गया। ज़रूरी बात क्या बतानी थी, वो है ये, आप इस चीज़ को ऐसे काटे ना। क्यों नहीं काटना है, अगर आप काट देंगे ना तो ये हड्डी निकल जाएगी, हड्डी निकल जाएगी ना। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये जो ये हड्डी है आपके हाथों में चुभेगी और खून भी यहाँ से निकलेगा जब काट देंगे तो। काटेंगे नहीं तो ये ऐसे ही रहेगी, ये देखिए जैसे कि अभी है, ऐसे आपने बनाना है। और ये चीज़ को आप चाहें तो नीचे से ऐसे थोड़ा सा काट सकते हैं। ये बन गया दुनिया का सबसे बेहतरीन लॉलीपॉप, ये देखिए। अब मैं इसी तरीके से सारे बनाऊंगा। अब इससे भी बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। आपने अगर इससे चिकन विंग से लॉलीपॉप बनाना है तो स्किन होना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। इसको बनाने का तरीका सेम है, ऐसे आपने काटा, ये देखिए इस तरीके से, उसके बाद यहाँ से ऐसे अलग कर लिया। बस आपने कुछ नहीं, हड्डी से मांस को अलग करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए ऐसे कट मारा छोटा सा, क्योंकि यहाँ 2 हड्डी होती है ना, तो ये हड्डी हमने खींच के निकालना पड़ता है। ऐसे आप खींचेंगे ना तो ये हड्डी निकल जाएगी, ये देखिए ये निकल गई। इसको आपने ऐसे तोड़ के फेंक देना है, उसके बाद ऐसे ये इसको यहाँ से ऐसे पकड़ा इस तरीके से, थोड़ा सा कट मारा, ये देखिए, और यहाँ से ऐसे कट मारा, और ये सारा मांस आप खींच के ले गए नीचे, ये देखिए इस तरीके से ऐसे, और इसको यहाँ से साफ़ कर लिया। अब ये आपके बन गए लॉलीपॉप, बहुत ही बेहतरीन दोनों से। अब आपको एक जैसे लग रहे होंगे, बस थोड़ा सा साइज में फ़र्क रहेगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा। तो साइज की फिक्र ना करें, लेकिन आप बीन्स बर्बाद ना करें, 2 बनाएं, एक से एक ही बनाएंगे, एक नहीं बनाएंगे तो आपके बहुत ही वेस्टेज होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैं इसी तरीके से मैंने सभी लॉलीपॉप बना लिए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आपने ये मुझे बताना है। जैसा कि आपको पता है, मैंने सभी लॉलीपॉप काट लिए हैं और बहुत ही अच्छे से काटें, आप भी ऐसे ही काटें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको फ्राई कैसे करना है। आपने लेना है एक डिप बॉल, डिप बॉल के अंदर ये सभी लॉलीपॉप डाल देना है जो हमने काट के रखे थे। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून जिंजर बारीक कटी हुई, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ गार्लिक, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई
हरी मिर्च, एक टीस्पून आपने डालना है इसमें एरोमेट, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून वाइट पेपर, और आपने इसमें डालना है 2 टेबलस्पून रेड चिल्ली पेस्ट। आपने 2 अंडे डालना है इसमें, पूरा होल एग डाल दें। उसके बाद आपने इसमें डालना है आधा कप कॉर्नफ्लोर और आधा कप मैदा। मैदा और कॉर्नफ्लोर आपने बराबर लेना है। उसके बाद आपने इसको दोनों हाथों से मिलाना है। पहले ऐसे मिक्स करें, उसके बाद आपने इसमें पानी छिड़कना है चाहिए तो। ये देखिए ऐसे आपने मिक्स किया, अब हम इसमें हल्का सा पानी छिड़केंगे, ये देखिए इस तरीके से, और ऐसे आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार लॉलीपॉप बनेंगे, आप जब बनाएंगे तो आपको बिल्कुल होटल की याद आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि आप होटल में बैठ के खा रहे हैं। ऐसे आपने मिक्स कर लेना है। अब ये हो गया तैयार। ऐसे मिक्स करने के बाद आपने इसको कम से कम आधा घंटा रखना है ताकि लॉलीपॉप अच्छे से मैरिनेट हो जाएं, थोड़ा टेस्ट इसके अंदर तक चला जाए। अब हमारे लॉलीपॉप एकदम तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपने फ्राई कैसे करना है। फ्राई करने के लिए आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तेल गर्म होना चाहिए, दूसरा गैस स्लो होना चाहिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है और गैस मैंने एकदम स्लो कर दी है। अब आपने क्या करना है, लॉलीपॉप को बिल्कुल ऐसे कढ़ाई के पास रखना है। इसको उठाने का तरीका होता है, आपको दोनों हाथ लगाना पड़ेंगे, आपने ऐसे उठाना है ये देखिए, और ऐसे खींचना है इस तरीके से, फिर तेल में डालना है इसे। और कभी कभी क्या होता है आपको ऐसे मसाले में मिलाना भी पड़ता है, ये देखिए इस तरीके से ऐसे डालना है आपने। ये है लॉलीपॉप फ्राई करने का तरीका। कभी कभी क्या होता है हम मिक्स करते हैं ना तो वापस से चला जाता है जहाँ से उसको हमने खींचा था, तो आपने दोनों हाथ से ऐसे खींचना ज़रूरी है इस तरीके से, ऐसे खींच खींच के मतलब इसकी शेप बना के फिर तेल में डालें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान रखना है जब भी आपने बनाना है लॉलीपॉप। ये देखिए हमारी कढ़ाई बड़ी है होटल की, तो मैंने सभी डाल दिए एक ही बार में, और ऐसे मसाला लगा लगा के डाला है। आप भी ऐसे ही डाल दें सब, ये लॉलीपॉप है इसको कुछ नहीं होता है, आराम से फ्राई होगा। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसको ऐसे तुरंत नहीं चलाना है, थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहने, थोड़ी देर के बाद आपने एक पतले स्लाइसर से चलाना है, कोई बड़ी चीज़ से ना चलाएं, नहीं तो क्या है इधर उधर टूट जाएगा। लॉलीपॉप टूटना नहीं चाहिए, एकदम अच्छी शेप रहना चाहिए उसकी। ये देखिए ऐसे आपने पतले स्लाइसर से चला देना है, और गैस थोड़ी सी फास्ट कर दें, थोड़ी देर के बाद करें ऐसा। अब लॉलीपॉप तैयार हो चुके हैं, अब मैं निकालूंगा, पहले आपको दिखाता हूँ आपने भी कितना और कैसे पकाना है। ये देखिए कितने बेहतरीन हुए, कलर देखिए कितना अच्छा आया है। आपने भी ऐसे ही फ्राई करने और 80% पकाना है, उससे कम या ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि 10% तो ये ना रखे रखे पक जाएगा, फिर हमें पता नहीं फ्रिज में 1 दिन 2 दिन रखना पड़े तो ये सूख जाता है। तो आप 80% पका के और इसको निकाल लें। ये देखिए कलर, वाव। पहले ऐसे एक ढक्कन या कोई दूसरी ट्रे में रखें और आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसको स्टोर कैसे करें मैं आपको बताऊंगा। ठंडा होने के बाद लॉलीपॉप ठंडे हो चुके हैं और खूबसूरत बहुत ही बने, आपको दिख ही रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपने स्टोर करके कैसे रखना है। आपने लेनी एक ऐसी ट्रे के अंदर इस तरीके से देखिए ऐसे स्टोर कर दें। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा भी थोड़े स्टोर कर सकते हैं। ऐसे रखना है आपने, ऐसे रखने के बाद आपने इसको ऊपर लगाना है ढक्कन, और इसको फ्रिज में रखना है। डीप फ्रिज में ना रखें, नॉर्मल फ्रिज में रखें। ये कम से कम 3 से 4 दिन कहीं नहीं गया है। आज मैं आपके लिए लेके आया लॉलीपॉप कैसे काटें और कैसे स्टोर करें फ्राई करके, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि आप आसानी से कैसे बनाएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम करने का तरीका पसंद आया, आपके दिल को टच किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए